कि आप भी चाहते हैं आप अपने बच्चे को कोई भी एक बात प्यार से बोलें और वो एक बार में आपकी बात मान जाए, आपको चिल्लाना ना पड़े और उसको पीटना ना पड़े। आज के इस वीडियो में ऐसी ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपने बच्चे को अच्छे से डिसिप्लिन कर सकते हैं विदाउट येलिंग और हिटिंग योर चाइल्ड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। मेरा नाम है दीक्षा, यू आर वॉचिंग मी ऑन मॉम किड एक्सप्रेस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल यूट्यूब पे तो आपने डेफिनेटली बहुत सारे फॉरेन के पेरेंटिंग चैनल आपने देखे होंगे, जिनमें वो अपने बच्चों को नॉर्मली अगर कोई चीज बोल रहे हैं तो वो बच्चे मान लेते हैं। लेट्स से कि आपको सुपरमार्केट में बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करने लगे और पेरेंट्स बोलते हैं कि डोंट डू दिस, हम घर चल के इस बारे में डिस्कस करते हैं, डोंट मेक अ सीन राइट नाउ, और बच्चे जो है उनकी बात को अग्री कर जाते हैं और घर आके वो बड़े ही प्यार से और बहुत अच्छे से उस चीज को डिस्कस करते हैं। और हम हमेशा ही वंडर करते हैं कि ये हमारी फैमिली में क्यों नहीं होता, हमको क्यों 10 बार 50 बार बोलना पड़ता है और लास्ट में एक थप्पड़ मारना पड़ता है तभी जाके हमारा बच्चा उस बात को सुनता है। सो सबसे पहली जो चीज है ना कि फॉरेन की कंट्रीज में या बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चे को हिट करना एक क्राइम माना जाता है। अगर कोई आपके खिलाफ कंप्लेन कर देता है तो आपके ऊपर केस चल सकता है। सो बाहर इतना बच्चों को हिट करने का ट्रेंड नहीं है जितना कि इंडिया में है। सो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आ जाती है क्योंकि हमने हमेशा अपने बच्चों की जो परवरिश है वो या तो डांट के की होती है या पिटाई करके की होती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी तरीके से जो है सेट हो जाता है, उसी तरीके से डेवलप होता है कि अनटिल एंड अनलेस मेरे मम्मी पापा मुझे डांट नहीं रहे या पीट नहीं रहे, दैट मींस कि ये बात उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब बच्चों को वो बात इम्पॉर्टेंट लगे विदाउट मम्मी पापा के येलिंग और हिटिंग, उसके लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जिससे कि आप अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो इस प्रोसेस को फॉलो करना आसान होता है, अगर आपका बच्चा 8-9 साल का है तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बट इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑलरेडी वो 7-8 साल एक सर्टेन वे से अपने मम्मी पापा की बात को सुनते आया है। सो सबसे पहली चीज है कि हमें अपने बच्चों को मारना नहीं है, पीटना नहीं है और कोशिश करनी है कि डांटना भी नहीं। अब इसकी जगह क्या कर सकते हैं वो मैं आपको आगे आने वाले टिप्स में बता रही हूँ, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको लगता है कि अब आपको गुस्सा आ रहा है और अब आप अपने बच्चों को हिट करने ही वाले हैं, जस्ट रियलाइज, जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज कि नाउ यू आर एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, बिकॉज बच्चे को समझ नहीं है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट यू आर मैच्योर इनफ, यू आर अ पेरेंट, यू आर अ अडल्ट, देन व्हाई यू आर एक्टिंग लाइक दिस। सो अगर आप अपने बच्चे को हिट कर रहे हैं देन यू आर द वन हु इज बिहेविंग चाइल्डिश, नॉट योर चाइल्ड। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं कैसे इस बात को बिना डांटे या बिना पीटे अपने बच्चे को समझा सकता हूँ। सो सबसे पहले यही पॉइंट है कि आपको अपने बच्चे को हिट नहीं करना, डांटने की कोशिश कम से कम करनी है। कैसे ये सारी चीजें हो पाएंगी वो आगे आने वाले 4 टिप्स में मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सेकंड पॉइंट है वो है आप अपने बच्चे से इमोशनल लेवल पे बहुत ही अच्छे से कनेक्ट करिए। कई बार हम अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं बट क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, वी आर स्क्रॉलिंग अवर फोन्स और हम किसी से बात कर रहे हैं और साइड बाय साइड बच्चे के साथ भी खेल रहे हैं, तो हम अपने बच्चे के साथ में वो बॉन्ड जो है क्रिएट ही नहीं कर पाते। और जब हम अपने बच्चे के साथ में बात कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चे को डांट रहे होते हैं, दिस इज नॉट द वे यू कनेक्ट विद समबडी, राइट। सो आपको अपने बच्चे के साथ में जो आपका बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करना है। आपको उसके ब्रेन में ये चीज ऐसे बिठानी है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने बच्चे से हमेशा प्यार करते हैं, आप अपने बच्चे को हमेशा सपोर्ट करेंगे और आप अपने बच्चे की परेशानियों को हमेशा आप सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको वो उस लेवल पे अपने बच्चे के साथ में कनेक्ट करना होगा। अब आप अपने बच्चे के साथ में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि हाउ यू कैन हेल्प योर चाइल्ड इन इमोशनल डेवलपमेंट। वैसे अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे, वो भी 5-6 टिप्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चे के साथ में एक नेक्स्ट लेवल पे इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे। और जब आप अपने बच्चे के साथ में इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे ना, तो आपका जो पूरा जर्नी है ना वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होगा और आप बच्चे को भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा चाइल्डहुड दे पाएंगे। तो बच्चे के साथ में कनेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि अगर आप अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तो आप अपने बच्चे को पनिश कैसे करेंगे। देखिए, पनिश करना एक ऐसा टर्म है जो कि हम क्रिमिनल्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड दोज लिटिल वंस आर नॉट क्रिमिनल्स, राइट।
सबसे पहले आपको अपनी डिक्शनरी से पनिशमेंट वर्ड निकालना होगा कि आप अपने बच्चे को पनिश कर रहे हैं. नो, यू आर नॉट पनिशिंग योर चाइल्ड. इट इज जस्ट कि आप अपने बच्चे को कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि अगर वो कोई गलती करते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है. अगर वो सोफे पे जंप कर रहे हैं तो उससे उन्हीं को चोट लग सकती है. तो आपको उनको अंडरस्टैंड कराना है कि किसी भी मिस्टेक का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस जरूर होता है. अगर आपका बच्चा, लेट से आप अपने बच्चे को कुछ भी बात समझाना चाह रहे हैं या कुछ उसको खिलाना चाह रहे हैं, टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे आपको ये थ्योरी काम ही नहीं करती, आप अपने बच्चे को समझा रहे हैं लेकिन वो समझने को राजी ही नहीं है कि उस जो वो गलती कर रहा है उसका कोई कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. नाउ व्हाट यू विल डू, जस्ट से वन थिंग टू योर चाइल्ड. अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे देन यू आर गोइंग टू हैव अ टाइम आउट. ठीक है, अब ये टाइम आउट क्या चीज़ है? आप अपने बच्चे को एक चेयर पे, लेट्स एक चेयर हो गया, एक प्रॉपर एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे उसको चलने का या जंपिंग का या ये सारी एक्टिविटीज़ का जगह ना हो. जस्ट उसको बोलिए कि आप इस चेयर पे इतने मिनट के लिए बैठोगे जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी. जो अभी जिसकी वजह से आपको टाइम आउट मिलना है, जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड सी वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. तो बच्चे को थोड़ा सा आप उसको समझाइए कि वाई यू आर गिविंग टाइम आउट टू योर चाइल्ड. बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि उसको ये जो पनिशमेंट मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, राइट? तो जिससे कि बच्चे को उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए, वो एनालाइज कर पाए कि उसकी प्रॉब्लम या मिस्टेक कहाँ पे था. अब ये जो टाइम आउट है, दिस इज हाईली डिबेटेबल. मैं अगले वीडियो में इसका बारे में बात करूंगी, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए ये काम करता है. अब ये टाइम आउट का समय कितना होना चाहिए? आपके बच्चे का जितना एज है उतना मिनट आपको उसको टाइम आउट देना है. लेट्स से आपके बच्चे का एज 6 ईयर्स का है तो 6 मिनट का ये टाइम आउट रहेगा और वो उस चेयर से 6 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं उठ सकता. अगर वो उस चेयर से उठता है, क्योंकि वो इनिशियली आपके बच्चे इस चीज़ को यू नो फॉलो नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस चीज़ में. अगर आपके बच्चे उठ जाते हैं, नहीं चेयर पे वापस से बैठ रहे, तो उनको ये समझाइए कि जैसे ही वो चेयर से वापस उठेंगे तो वापस से जो घड़ी का टाइम है वो पहले मिनट से चलना स्टार्ट हो जाएगा. मोबाइल में टाइमर लगा दीजिए, जैसे ही मोबाइल का अलार्म बजेगा देन ओनली आप इस चेयर से उठ पाओगे, अदरवाइज ये जो टाइमर है वापस से शुरुआत से शुरू हो जाएगा. टाइम आउट इज हाईली डिबेटेबल, क्योंकि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि टाइम आउट इज अ गुड थिंग. तो आप टाइम आउट के जरिए अपने बच्चों को ये अंडरस्टैंड करा सकते हैं कि अगर वो कोई गलत चीज कर रहे हैं तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है, ये एक अच्छी चीज होती है कि बड़े आगे चल के बच्चे इस चीज को अपने दिमाग में रखते हैं कि मुझे कोई ऐसा मिस्टेक नहीं करना जिसकी वजह से मुझे खुद को हर्ट हो या किसी और को हर्ट हो फिजिकली इमोशनली, तो जिसकी वजह से बच्चे को ये जो डिसिप्लिन है बच्चों का बहुत अच्छा होता है. और जो एक अदर ग्रुप है पेरेंट्स का, वो कहते हैं टाइम आउट इज अ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अगेन जो मैंने बोला पनिशमेंट इज फॉर क्रिमिनल्स नॉट फॉर योर चाइल्ड. सो दे से कि अगर आपको अपने बच्चे को कोई चीज़ समझाना है तो उनको एक्सप्लेन करिए, हर चीज़ को समझाइए, इंस्टेड ऑफ उनको पनिशमेंट देने की जगह या टाइम आउट देने की जगह. मैं क्या मानती हूँ, आई फील कि टाइम आउट हियर एंड देयर देना ठीक होता है, बट अगर आप इसको दिन में 10 बार दे रहे हैं तो मे बी आप अपना जो पेरेंटिंग का रोल है वो ठीक तरीके से प्ले नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप पूरे दिन में 1 या 2 बार ऐसा इंस्टेंस होता है कि आपको अपने बच्चों को टाइम आउट देना पड़ता है, दैट इज टोटली फाइन. बिकॉज अगर आप अपने बच्चों को बहुत एक्सट्रीम पेम्पर करके रखेंगे तो जब वो रियल वर्ल्ड में जाएगा, बड़ा होगा, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो किसी से भी हार्श बातें नहीं सुन पाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट होगा. और हम अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ वेरी रफ. तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पैम्पर्ड पेरेंटिंग इज ऑल्सो नॉट गुड. समटाइम्स आप टाइम आउट दे सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये है कि अगर आज आप अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं और कल वो वापस उसी चीज़ को पूछता है, तो कल भी आपका आंसर वही होना चाहिए जो आपने आज दिया था. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. सो मेरी डॉटर दोपहर में कभी कभी उसको होता है कि मैं नहीं सोऊं, ठीक है, लाइक वो समटाइम्स दोपहर में नैप नहीं लेना चाहती है, बट आई इंसिस्ट कि नहीं तुम्हें दोपहर में सोना ही होगा, बिकॉज शाम के आते आते वो 5-6 बजे तक वो बिल्कुल उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है अगर वो सोती नहीं है तो. और दैट्स वाई आई फील कि उसको दोपहर में सोना बेहद ज़रूरी है. और आई हैव सीन जब वो दोपहर में सोती है बहुत ज़्यादा काम और हैप्पी चाइल्ड होती है. लेकिन उसने कई बार ऐसा किया कि मुझे नहीं सोना मम्मा, वो मेरे को इमोशनली बोलती है कि मम्मा प्लीज मुझे खेलने दो, मुझे नहीं सोना है. मेरा आंसर ऑलवेज ऑलवेज एक ही होता है,
आपको सोना पड़ेगा, अगर आपको खेलना है तो आप उठने के बाद भी खेल सकते हो, टॉयज मैं यहीं पे टेबल पे सामने रखूंगी सो देट आप उठने के बाद में इस टॉय से वापस से खेल सकते हो, बट अभी आपको 1 आवर के लिए सोना ही पड़ेगा। और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करती बिकॉज शी नोज कि मम्मा इस चीज़ के लिए कभी भी हाँ नहीं बोलने वाली है। सो आप अपने बच्चों को जिस चीज़ के लिए उसको सही करना चाह रहे हो, उसको डिसिप्लिन करना चाह रहे हो, उसके लिए हमेशा कंसिस्टेंट रहना बेहद ज़रूरी है। पांचवी जो चीज़ है वो ये है कि पूरे दिन के सिनारियोज में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 50-80% चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत एक्सट्रीम नहीं होती हैं, बट फिर भी हम अपने बच्चे को नो 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 कहते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाता है। और जब आप सीरियसली नो बोलते हैं ना तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि उसको तो लगता है मम्मी पापा तो पूरा दिन मुझे हर चीज़ के लिए रोकते रहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप किस चीज़ के लिए नो बोल रहे हैं और किस चीज़ को आप यू नो करने दे सकते हैं। लेट्स से रात के 8 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं, बच्चे का सोने का समय हो रहा है, लेकिन बच्चा बोल रहा है कि मुझे एक पेज जो है वो कलर करना है, तो आप बच्चे को क्या बोलेंगे? क्या आप उसको वापस से डांटने लगेंगे या आप उसको टाइम आउट दे देंगे कि नहीं ये सोने का टाइम है, दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट बेड टाइम रूटीन एक्सेट्रा। सो नो, यू शुड नॉट डू दैट। सो वॉट कैन यू डू? ठीक है, अगर आपको एक पेज कलर करना है, ओके, सो आप ठीक है 1 पेज जो है कलर का कर सकते हो, लेकिन अगर बच्चे की ये जो डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भरती जाती है, देन डेफिनेटली आप अपने बच्चे को आगे चल के रोक सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जहां आपको लगता है कि नहीं ठीक है चल सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा अपने आप को हर्ट नहीं कर रहा है या किसी और को हर्ट नहीं कर रहा है या उसकी हेल्थ पे किसी तरीके से असर नहीं पड़ रहा है इस चीज का, तो यू कैन लेट हिम डू दैट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, सो यूजुअली पहले मैं ही मेरी डॉटर के कपड़े पिक करती थी बिकॉज मुझे बहुत शौक था मैं अपनी डॉटर को ऐसे कपड़े पहनाऊं वैसे कपड़े पहनाऊं, तो एक वो बहुत ज्यादा मेरे को था कि मैं इस कलर के साथ ये कलर होना चाहिए ऐसा वैसा। अब रिसेंटली पिछले कुछ 15-20 दिन से मेरी डॉटर को है कि वो अपने कपड़े खुद से ही चूज करे, और समटाइम्स वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चूज नहीं करती, वो कभी फ्रॉक के साथ जीन्स पहनती है या आई डोंट नो वो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन बना के पहनती है, बट मैं उसको नहीं बोलती कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, बिकॉज इट्स ओके अगर वो एक दिन रॉन्ग कपड़े पहनेगी, दैट इज़ नो हार्म, बट उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ओके मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, मे बी आगे चल के उसको लगता है मम्मा नहीं इट वॉज नॉट लुकिंग ग्रेट, बट दैट्स टोटली फाइन, जस्ट पिक योर फाइट वेदर इट इज राइट टाइम और रॉन्ग। हर चीज में नो कहना बंद कर दीजिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से अपने बच्चे को अच्छे से डिसिप्लिन करने की बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।